चेन्नई सुपर किंग टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट, देखिए क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो दोस्तों, क्या चेन्नई में और क्या एसजी की टीम में होंगे बदलाव, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के हैं फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम ने अभी तक के इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अपने 7 मैचों में से 4 मैच जीत की है, जबकि 3 मैचों में से हार झेलनी पड़ी है। वही अभी तक के इस टूर्नामेंट में कई टीमें हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फैंस का दिल जीता है। चेन्नई सुपर किंग टीम इन्हीं में से एक है। चेन्नई सुपर किंग टीम ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया और अपने 7 मैचों में से 4 मैच में जीत के 7-8 अंकों के साथ चेन्नई की अपनी पॉइंट टेबल पर चौथे पायदान पर है। वहीं अब इसका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 23 अप्रैल को एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाना है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग टीम अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ के सामने हार का सामना करना पड़ा था और उसे 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। यह मैच 19 अप्रैल को खेला गया था। अब 23 अप्रैल को खेले जाने वाले मुकाबले को चेन्नई अपने नाम जरूर करना चाहेगी। वहीं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की जाए तो उन्होंने इस सीजन 7 मैच में से 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैचों में उसे भी हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ 8 अंकों के साथ चेन्नई के नीचे 5वें नंबर पर है, क्योंकि इसका भी रन रेट थोड़ा सा कम है। वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग टीम ने अभी तक बल्लेबाजों इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी छाप छोड़ी है। उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। लखनऊ के खिलाफ खेले गए मैच में काफी खराब गेंदबाजी की थी और इसी वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि टीम का रिकॉर्ड अपने घर में काफी अच्छा रहा है और यह बात लखनऊ को भी पता है। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में ज्यादातर मैचों में अपनी टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शिवम दुबे भी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम के इस मैच के लिए संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र रचिन, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुसीफर रहमान, मथिसा पत्राना टीम में शामिल होंगे। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में समीर रिजवी, निशांत सिंधु, मिचेल सैंडन, शेख रशीद और शार्दुल ठाकुर होंगे। वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ की टीम में चेन्नई के खिलाफ खेले गए मैच में कप्तान केएल राहुल ने मैच विनिंग पारी खेली थी। इस मुकाबले में उन्होंने शुरुआत में काफी धीमी की थी, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्होंने आक्रामक शॉट खेलना शुरू कर दिया था। चेन्नई के खिलाफ आगामी मैच में केएल राहुल एक बार फिर से बड़ा स्कोर बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। क्विंटन डिकॉक ने भी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अर्धशतक बनाया था। वो भी अब फॉर्म में आ चुके हैं। एम चिदम्बरम स्टेडियम में हमेशा ही स्पिनर को अच्छी मदद मिलती है और यहाँ लखनऊ के पास रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या हैं, जिन्होंने इस सीजन में बेहतरीन गेंदबाजी की। वहीं दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ लखनऊ की प्लेइंग 11 की बात करें जिसमें क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, दीपक हुड्डा, मार्क स्टोनिस, निकोलस पुरन, आयुष बदौनी, कुणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहित खान, यश ठाकुर टीम में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कृष्णप्पा गौतम, अर्शन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, अरशद खान और युद्धवीर टीम में है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, चेन्नई या फिर लखनऊ कौन सी टीम इस मैच को कर पाएगी अपने नाम? आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।